कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के। दिल्ली और एनसीआर में फैला प्रदूषण अब फिरोजाबाद की ओर बढ़ा। जी हां, बता दें प्रदूषण के मामले में देश में फिरोजाबाद पहले नंबर पर। जिले के ऊपर अचानक छाई धुंध। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि दिवाली के बाद अचानक बढ़ा प्रदूषण। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक का कहना है कि सांस के रोगियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि। बता दें विश्वविख्यात चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद अब प्रदूषण की चपेट में आ गया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो मंगलवार शाम को देश में प्रदूषण के मामले में फिरोजाबाद प्रथम स्थान पर है। जिले के ऊपर धुंध और बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को सांस के रोगियों को तकलीफ बढ़ सकती है। वहीं मौसम में बदलाव और धुंध से स्थानीय लोगों में भी इस बात की बेचैनी है कि दिवाली के चार दिन बीत जाने के बाद भी ठंड और घने कोहरे की चादर अचानक हो गई है। गौरतलब है कि कांच नगरी में दीपावली पर्व मनाया गया था। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पटाखों की बिक्री भी बहुत कम रही, लेकिन फिर भी फिरोजाबाद के आसपास के इलाकों में प्रदूषण की धुंध मंगलवार की शाम को अचानक देखी गई। और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि देश में प्रदूषण के मामले में फिरोजाबाद पहले नंबर पर आ गया है। प्रदूषण में फिरोजाबाद के पहले नंबर पर आने का कारण एक तो दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण का फिरोजाबाद की तरफ आना माना जा रहा है, और दूसरा दिवाली के दिनों के बाद आतिशबाजी माना जा रहा है। फिरोजाबाद में मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 हो गया है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। दूसरे नंबर पर आगरा 472 और तीसरे नंबर पर वृंदावन 454 रहा है। बता दें यहाँ की वातावरण सबसे अधिक खराब है। मंगलवार की शाम को पीएम 2.5 करोड़ की मात्रा 500 से भी ज्यादा हो गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी सामान्य से 36 अधिक बनी हुई है। प्रदूषण से जो मेन दिक्कत होती है वो सांस के मरीजों को दिक्कत होती है। सांस के मरीज हैं, दमा के रोगी हैं, उनके सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी परेशानी बढ़ जाती है काफ़ी। अभी ये दिवाली का त्यौहार निकल के गया है तो कुछ प्रदूषण तो बढ़ा ही है, उसमें ठंड भी बढ़ रही है, तो ये सांस के मरीजों की दिक्कत काफ़ी बढ़ गई है। सांस के मरीजों का नंबर अस्पताल में बढ़ गया है, सांस फूलने वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं। सावधानी यही है कि ठंड से बच के रहें और घर में ही रहें अपना, और मास्क वगैरह लगा के रहें, जिससे प्रदूषण का जो उनके अंदर जा रहा है वो थोड़ा कम तो हो ही सकता है। लेकिन हाँ, इस समय ये पक्की बात है, ये प्रदूषण की वजह से सांस के रोगियों का नंबर काफ़ी बढ़ा है। और लोगों को ध्यान रख, घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कछुआ छाप, ऑल आउट ये भी जलाने से बचना चाहिए। अगर मच्छर वगैरह का दिक्कत है तो उसमें मच्छरदानी लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है बजाय धुआं करने के। ठंड और प्रदूषण दोनों का मिला जुला असर आ रहा है, सांस के मरीज काफ़ी। मेरा नाम गौरव है। गौरव, फिरोजाबाद के आप निवासी हैं, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, भारत में पहला नंबर फिरोजाबाद का आया है, तो कैसे देखते हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दीपावली के बाद जितना पर्यावरण में मतलब धुंध वगैरह छाई है, इससे आम जनमानस को सांस लेने में समस्या आ रही है, आँखों में जलन हो रही है और बहुत सारी समस्या आ रही है, जीव जंतुओं का बुरा हाल है। आप हॉस्पिटल के बाहर हैं टीवी वार्ड के, तो क्या लगता है मरीज भी आ रहे हैं? मरीज भी बहुत समस्या में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों में समस्याग्रस्त हैं। सर, फिरोजाबाद देश में नंबर वन आ गया प्रदूषण में, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फिरोजाबाद में अभी इसी साल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो लगा हुआ है, तो अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे
वो तो एक नंबर है कि किसी का 450 है तो किसी का 460 है, तो ये अब डिजिट है तो डिजिट ज़्यादा हो गया है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बट ये तो मानना है कि एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। ये दिवाली के रात के बाद से ये एकदम से एडवर्स क्वालिटी ऐसी हो गई है, और इसके लिए दिवाली का ही एक जो रीज़न रहा है, दिवाली में क्रैकर्स वगैरह का प्रयोग किया, काफ़ी मात्रा में किया गया, उस वजह से एकदम से एयर क्वालिटी स्तर अपने अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया। और जहां तक फिरोज़ाबाद में सवाल है, तो ये दिवाली के बाद से ऐसा हुआ है। और इसके अलावा कोई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ दिवाली के दिन से ही उसके बाद से ये शटडाउन में है, और अभी एक हफ्ता हो गया है और अभी भी प्रॉपरली इंडस्ट्रीज़ चालू नहीं हुई है, और इंडस्ट्रीज़ भी सारी गैस पे हैं। तो ऐसा कोई लोकल सोर्स नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कोई एडिशन हो रहा है जो ये पीक पे ऐसा बढ़ रहा है, बट वो जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट जो स्तर पहुँचा है वो सब्सिडाइज धीरे धीरे नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक क्लाइमेट की कंडीशंस हैं, हवा तेज़ चलती है या धूप तेज़ी से निकलेगी तो ये जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा मुझे लग रहा है कि एक दो दिन के बाद स्थिति में सुधार होगा। क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त ये पॉल्यूशन कम हो, जैसे नगर निगम को कोई हिदायत वगैरह दी गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग पूरा एक्शन प्लान, जो एयर एक्शन प्लान लागू है 17 शहरों में, उसको हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। इसमें मेन रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और RTO डिपार्टमेंट, ये हम चारों लोग बिल्कुल एक से साथ मिल के काम कर रहे हैं। सारी रोडों पे इस वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, और RTO साहब से अभी हमने अभी बात किया, RI साहब नए आए हुए हैं तो उनसे अभी हमने बात किया कि ये 15 साल से पुराने वाहन बिल्कुल उनको चेक करें, रजिस्ट्रेशन उन्होंने जैसा बताया कि रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने पहले से बंद कर रखा है, तो 15 साल से पुराने वाहन को उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टली अभियान चला के इसको एक दो महीनों में इसको चेक करें कि वो कहीं तो चल नहीं रहे, या डग्गा मारी वाले वाहन हैं या हैवी लोडेड वाहन जो ऐसे चल रहे हैं जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी देखा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ा हुआ है उसमें PM2.5 प्रोमिनेंट पैरामीटर आ रहा है, और वो उसका एक रीज़न ये भी है कि डीजल पेट्रोल से वाहनों के उससे PM2.5 एडिशन होता है उसमें एयर में। तो इसलिए हमने RTO साहब से भी, मतलब RTO डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि इस खासकर एक इधर 10-15 दिनों में पूरा अभियान चला के इस तरह के वाहनों को नियंत्रित करें पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोग इंडस्ट्रीज़ पे भी विजिल रखे हुए हैं, कहीं भी ब्लैक स्मोक कुछ इस तरह का निकलता है तो तुरंत उसको चिन्हित करते हैं और उसको नोटिस देते हैं या उस पर प्रवर्तन की कार्रवाई इस तरह की करते हैं।